बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट ओवर चैप्टर नंबर 3, विच इज़ द काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द टॉपिक, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स एंड वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स, एंड आफ्टर ऑल आर एबल टू लर्न अबाउट दीज, टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। ओके, सो वेस्टिंग नो टाइम, वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का जो टॉपिक है, काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, इस चीज़ को डिस्कस, इस नाम को हम जो है इस चैप्टर में आगे करेंगे। फिलहाल वी विल स्टार्ट विद दी टॉपिक ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ओके, एज यू ऑल कैन सी, देर इज अ वर्ड, देर इज अ सेंटेंस रिटन, अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वी विल ऑब्जर्व दीज फिनोमेनाज इन अवर डेली लाइफ ऑलमोस्ट एवरी टाइम, बट वी विल एक्सप्लेन इट नाउ विद द रेफरेंस ऑफ फिजिक्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इस पूरी डेफिनेशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज दिस, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, इस पूरी डेफिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ज़रूरी है कि उस बॉडी को देखने के लिए कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस मौजूद हो। यानी फॉर एग्जांपल, अगर एक बुक एक डेस्क पे पड़ी है, ठीक है, रखी है, सॉरी, और उस बुक को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो वो मेरे रेफरेंस से इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है, तो ये जो विद रिस्पेक्ट का वर्ड है, यानी इसके लिहाज से, ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस पूरी डेफिनेशन में। इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम एग्जाम्पल से और मज़ीद बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, यू आर सिटिंग इन अ रूम, योर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग वॉल्स एंड द रूफ इज़ नॉट चेंजिंग। सिंपल, जो यहाँ पे एक पिक्चर हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अ बॉय इज स्लीपिंग ऑन अ बेड, उसकी पोजीशन क्या है, वो एक रेस्ट पोजीशन में है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स, सराउंडिंग वॉल्स, बेड एंड ऑल दैट थिंग, दी सराउंडिंग थिंग्स। इस लिहाज से, उन सब के लिहाज से, इस वक्त ये बॉय इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट अ बस स्टॉप नियर अ बस सच दैट द पोजिशन ऑफ बस इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू यू, दैट मीन्स के आपके लिहाज से आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, ठीक है, और आपके लिहाज से बस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि बस जो है वो इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। रेस्ट का अपोजिट, वी ऑल नो दैट इट्स मोशन। ठीक है, जब हम मोशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन में, अ बॉडी इज इन दी स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, एक बॉडी, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लाइंग बर्ड है, उस मैं ऊपर एक ऑब्जर्वर हूँ और मैं ऊपर देख रही हूँ और मेरे ऊपर से एक फ्लाइंग बर्ड गुजर रही है, तो वो मेरे रिस्पेक्ट से, यानी मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मैं ऑब्जर्वर के लिहाज से वो बॉडी जो है इन दी, यानी फ्लाइंग बर्ड जो है वो इन दी स्टेट ऑफ मोशन है। अगर हम पिछली एग्जाम्पल को ही, बस वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें आगे, और हम अब सपोज करें कि बस जो है वो स्टार्ट कर रही है मूव होना, ठीक है, तो अब जो वो ऑब्जर्वर था, वो उसके लिहाज से वो बस जो है वो मूव करना स्टार्ट कर रही है, इट्स मीन दैट बस इज इन दी मोशन। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत बेसिक सा रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास बुक में भी मौजूद है, ठीक है, और जो है वो, अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही चीज़ दो ऑब्जर्वर के लिहाज से चेंज हो। यानी फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सिटिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन एंड विद रिस्पेक्ट टू यू ऑल अदर थिंग्स इन द कंपार्टमेंट आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, बट द सेम थिंग्स, ऑल द थिंग्स इन द कंपार्टमेंट आर इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन दी ट्रेन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इससे साबित हुआ कि एक ही चीज़
ऑब्जर्वर के लिहाज से चेंज भी हो सकती है, यानी किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से वो इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है और किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से वो इन दी स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे पास इन दोनों कॉन्सेप्ट के आगे इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन का टॉपिक आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं, यानी रैंडम भी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो स्पेसिफिक पाथ द मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई, ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड ऑस्किलेटरी। ठीक है, ये तीनों जो मोशंस हैं, टाइप्स ऑफ मोशन हैं, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसको अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो हम अच्छा, ट्रांसलेशन मोशन जो होती है वो थ्री मजीद मोशन में डिवाइड होती है, जिसमें हम रेक्टिलिनियर, कर्वलिनियर एंड सर्कुलर मोशंस को भी पढ़ते हैं। ठीक है, और अच्छा, टाइप्स ऑफ मोशन अगेन, जो तीन बेसिक टाइप्स ऑफ मोशंस हैं इस चैप्टर में जो डिस्कस किए गए हैं, वो उनमें सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें जो है वो द मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, आप असेंबली में जिस तरीके से जो है वो मूव करते हैं लाइन बनाकर, एक साथ बिल्कुल एक यूनिफॉर्मली जो है वो मूव कर रहे होते हैं क्लास से लेकर असेंबली हॉल तक, ये आपकी जो मोशन है ये कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन, यानी एग्जैक्ट एक लाइन में। सही है, कोई भी स्टूडेंट लाइन से बाहर इधर उधर नहीं जा रहा होता, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइन में सेम पाथ फॉलो करते हुए हम एक दूसरे के पीछे चल रहे होते हैं। ठीक है, कभी हमने देखा हो कि आंट्स अगर देखी हो तो आंट्स की मोशन भी जो है बिल्कुल एक लाइन बना के वो चलती हैं, तो ये जो मोशन कहलाती है इसको हम ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन कहते हैं, यानी बिल्कुल एक पाथ में एक लाइन में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल पिक्चर्स में दी गई हैं कि गाड़ियों की एग्जांपल दी गई है, बॉल की एग्जांपल दी गई है, और एक चीज़ से एक एप्पल गिर रहा है उसकी एक एग्जांपल हमें यहाँ पे शो हो रही है कि वो एप्पल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। उसके बाद हमारे पास आती है रोटेटरी मोशन। ठीक है, जिसे हम कभी कभार सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। रोटेटरी मोशन में क्या होता है हमारे पास के जो हमारी बॉडी होती है वो एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही होती है। ठीक है, यानी हम इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारा मूविंग अर्थ, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, द व्हील ऑफ अ मूविंग कार और द फैन, द सीलिंग फैन और जो भी हमारा फैन लगा होता है वो भी इसके ब्लेड्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारी सर्कुलर और रोटेटरी मोशन है। उसके बाद हमारी आती है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में अगेन वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन इन चैप्टर नंबर 7 आई गेस, आई डोंट नो एग्जैक्टली द चैप्टर, रिमेंबर द चैप्टर नेम, बट इट इज़ डिटेल इन डिस्कस्ड इन डिटेल्ड। ओके, अच्छा, ऑस्किलेटरी मोशन में हमारे पास जो है वो मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन। द टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी और द वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अक्सर हमने ऐसी वॉचेस देखी होंगी जिसमें आपको ये दिखा होगा लगा हुआ, तो इसकी जो मोशन होती है यानी यहाँ कभी वो यहाँ जाता है फिर वो यहाँ आ जाता है, ये जो मोशन कहलाती है ये हमारी कहलाती है ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, इससे एक बॉल अटैच है। ठीक है, तो ये एक सिंगल बॉल अटैच है, कभी ये पॉइंट ए पे जा रही है, कभी ये पॉइंट बी पे जा रही है, कभी ए पे बी पे, इस तरीके से द मोशन ऑफ द स्विंग, झूला जो होता है, जो हम झूलते हैं अक्सर, उसकी जो मोशन होती है वो कहलाती है ऑस्किलेटरी मोशन। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन को हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस वीडियो भी डाली है, तो ज़रूर इसको देखिएगा ताकि आपके वो आपको मज़ीद जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो।